फ्यूचर बनने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम के स्वागत के लिए धर्मशाला शहर तैयार, ऐसी होगी जयराम सरकार की जन आभार रैली। गरीबों के लिए नहीं आए अच्छे दिन बीजेपी नेता। पीएम मोदी की रैली में जाते हुए हादसा, छात्रों से भरी बस पलटी। अब खबरें विस्तार से। धर्मशाला जयराम सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इसको लेकर धर्मशाला में सरकार जन आभार रैली करने जा रही है। इस रैली में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इस रैली को लेकर प्रशासन और भाजपा नेता जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। नई दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की बुजुर्ग नेता और पंजाब की पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत चावला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आम जनता की तकलीफों के प्रति बेपरवाह रहने का आरोप लगाते हुए मोदी और गोयल की तीखी आलोचना की और उन्हें बुलेट ट्रेन के बारे में भूल जाने को कहा है। कांगड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भाग लेने जा रहे एक कंप्यूटर सेंटर के बच्चों से भरी बस पलट गई। बस पलटने से 35 स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। घायलों का उपचार लंच के CHC में चल रहा है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।